اندر چلی آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے Thank you so much. Okay, so now I request Commandant Rajesh. There's one more bouquet left. There's one more bouquet left. So I would like Mahendra Singhi to just hand over one more. So thank you very much. Now I would request Salman Khan to speak few words, please. تو آپ شاید مجھ سے یہ پوچھیں کہ میرا سائیکلنگ سے کیا ناتا ہے اور اروناچل سے کیا ناتا ہے. تو پہلے سائیکلنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ بچپن سے جو سائیکلنگ شروع کی ہے آج تک کے ختم نہیں ہوئی ہے. ہر جگہ جاتا ہوں سائیکلنگ کرتا ہوں, شوٹنگ پہ جاتا ہوں سائیکلنگ کرتے ہوئے جاتا ہوں, رات کو کبھی سائیکل پہ نکل جاتا ہوں. میں نے پیار کیا, میں بہت سارا سائیکلنگ تھا. اس کے بعد ایک پکچر آئی کک, اس میں بھی سائیکلنگ تھا. تو سائیکل پہ سٹنٹس ویلیز وغیرہ پہلے بہت کیا کرتا تھا, ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے مجھ سے. اب
अरुणाचल प्रदेश. मुझे ये जगह पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है कि I've just been wanting to go there for the longest time. और फिर मैंने एक फिल्म की ट्यूबलाइट, उसमें एक बच्चा था और जिन जिन ने फिल्म देखी उन सबको बताया कि मेरे उस बच्चे के साथ क्या नाता है मातिन. तो जब मातिन मेरी ज़िंदगी में आया ड्यूरिंग ट्यूबलाइट, आई जस्ट गॉट टू नो के ये जो इतना सिंपल बच्चा है और ईटानगर का है, अरुणाचल का है, और जब भी वो मुझसे मिले वो मुझसे कहे बीबिंग ईटानगर आओ. तो ऐसे क्यों आए ईटानगर भाई? इसे क्योंकि इतना इधर इतना पोल्यूशन है, वहाँ पे हर चीज़ इतना सुंदर है, तुम्हारे ये सब बाल भी चला जाएगा, दाढ़ी का कान का बाल भी चला जाएगा. इट इज़ इतना ऑक्सीजन है वहाँ पर, यहाँ पर पोल्यूशन है, इतना पहाड़ी है, वहाँ पे हमारे पास मच्छी है, रिवर है. तो ही जस्ट केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट ईटानगर, पासीघाट. सो आई गॉट रियली फैसिनेटेड विद दैट. अब आई ट्राई टू गो देयर, बहुत बार जाने की कोशिश की, नहीं हो पाया. नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक इट फॉर दिस इवेंट एंड आई होप आई कैन मेक इट फॉर दिस इवेंट. क्योंकि मैं दिल्ली में शूटिंग कर रहा हूँ, आई एम शूटिंग फॉर भारत. तो मेरे को अगर एक दिन भी मिले वहाँ से तो द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. अच्छा, और सर ने भी डरा दिया कि बोले कि ये गूगल मैप पर सबसे मोस्ट डिफिकल्ट रेस है. सो लेकिन अपने पास भी तो एक तोड़ है, हमारे पास बीइंग ह्यूमन ई साइकिल है, कम पेडल मानना पड़ेगा. तो बीइंग ह्यूमन ई साइकिल लेके अपन उसके अंदर घुस जाएंगे. सो फॉर ऑल द पीपल हु ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेस, यू नो यू शुड डू सम जुगाड़ लाइक दिस. अब वो तो प्रोफेशनल्स हैं, वो तो साइकिल चलाएंगे चलाएंगे, अपन लास्ट भी आएंगे. एटलीस्ट वी कैन डू दैट द क्लाइम एंड सी द ब्यूटिफुल टेरेन, enjoy the वादियाँ. So this is, हाँ बच्चे को मेरी स्पीच अच्छी लग रही है. So this is my thing, my love for Arunachal, my love for cycling. और जितनी भी जो बचपन में मेरी इंजरीज हुई हैं वो हुई हैं साइकिल के वजह से. और फिर आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ मदर्स यूज टू कॉल मी आफ्टर मैंने प्यार किया, सेइंग दैट मेरे बच्चे से बात करो, सीढ़ियों से साइकिल नहीं चलाओ नीचे, व्हीली नहीं करो, फास्ट मत चलाओ. क्योंकि अ लॉट ऑफ किड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्राइंग टू फॉलो व्हाट आई डिड इन मैंने प्यार किया, किसी का हार्ट टूटा, किसी का रिस्ट टूटा. तो साइकिलिंग का बेस्ट पॉइंट ये है कि अगर गिरते भी हो तो एक थोड़ा सा यू नो घसड़ा लग जाता है, यू नो थोड़ी सी खाल निकल आए, एक आध हड्डी टूट जाती, वो वापस से जुड़ जाती. So I think cycling is the safest in terms of, you know, getting injured. Motorcycle se gir gaye bhai to ek lamba choda repair job hai ya repair bhi nahi hota aadmi uske baad. Cycle se gir jata hai to wo bahut jaldi repair ho jata hai. So this cycling is I think the best thing ever. I think cycling is also better than walking because cycling mein pedal marna padta hai to wo jo उठना बैठना एक उम्र तक यू नो वेयर यू कैन बेली वॉक बट इफ़ यू साइकिल सो दैट मूवमेंट ऑफ गेटिंग अप सेटिंग डाउन वॉकिंग इज अ वेरी इजी मूवमेंट. ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिल और ये जो एक हमारे यहाँ पर एक चाचा हैं जो कि अंडा बेचते हैं हमारी बिल्डिंग में, वो आज भी ही मस्ट बी अबाउट 68-70 टिल टुडे ही साइकल्स एंड ही सेल्स एग्स इन आवर बिल्डिंग. सो इट्स नॉट ओनली आवर बिल्डिंग, ही सेल्स इट ऑल ओवर बैंडस्टैंड, ऑल ओवर कार्टर रोड, ऑल ओवर हिल रोड. एक आदमी अंडा लेके साइकिल के ऊपर बेचता है. फिर हमारे अखबार वाले, पहले अखबार साइकिल के ऊपर बेचा करते थे, दूध वाले साइकिल के ऊपर बेचा करते थे, अब
पता नहीं क्यों ये साइकिल का फैड यू नो ये जो एक नेसेसिटी थी वो ख़त्म हो गई. आई डिड अ साइक्लेथॉन फॉर बीइंग ह्यूमन अबाउट 5-6 इयर्स अगो. पीपल वांटेड टू जॉइन द इवेंट बट साइकिल ही नहीं थे. सो पीपल हैड टू गो एंड बाय साइकिल्स और साइकिल की दुकानों में साइकिल्स ख़त्म हो गए थे. सो आई नो अ रिकॉर्ड दैट दे वर ओनली अबाउट 2000 साइकिल्स एट दैट पॉइंट टाइम इन दैट होल बांद्रा खार डांडा जुहू दैट होल एरिया. सो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड. सो देन आई थॉट दैट व्हेन आई ग्रो अप व्हिच आई डिड अ फ्यू इयर्स अगो आई विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स. सो आई डिड यू नो बीइंग ह्यूमन साइकिल्स. So now, this is my nata with Arunachal and with cycling. What do you say, Bibing? बहुत बढ़िया. श्री किरण रिजिजू इज रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लेन अबाउट अरुणाचल एज एन इमर्जिंग एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. हमारे बीच में सलमान खान जी बैठे हैं. हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट को देखते हैं और वहाँ MLA भी हैं, हमारे यंग वहाँ के नेता है. जहाँ साइकिलिंग का एक्सपेडिशन का अंत होगा मेचुका, वहाँ से आए हैं बसंग दुर्जे सोना जी. हमारे दालमिया ग्रुप जो दालमिया सीमेन है, दालमिया ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हैं महेंद्र सिंह जी, SSB के IGP और यहाँ जितने भी लोग आप आए हैं दोस्तों. सबसे पहले तो ये जो मुंबई में हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर में है, हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और एक्टिविटीज होगा हिंदुस्तान का पूर्वी छोर पे. अरुणाचल प्रदेश जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हिंदुस्तान का, वहाँ होगा. तो एक बड़ी सफ़र हमने तय किया है और आगे इसको बरकरार रखना है. मैं सलमान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि जो दो बातें उन्होंने की हैं, एक साइकिलिंग जो साइकिल से उनका नाता आपने उन्हीं के ज़ुबान से सुना और अरुणाचल प्रदेश से उसके दिल से कैसे जुड़ा है, और साथ में जो आने वाला माउंटेन टेरेन बाइकिंग का जो एक्सपेडिशन को आज सलमान जी के हाथों आज जहां लॉन्च किया गया है, इसका आने वाला जो इवेंट है उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइकिलिंग जो है ये हमारा एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है. दुनिया में किसी भी शहर का उसका मापदंड आप करेंगे कि इस शहर का स्तर क्या है, तो इस चीज़ को आजकल देखता है कि उसमें उस शहर में साइकिलिंग का व्यवस्था क्या है, उस शहर में साइकिलिंग करने वाले लोगों के लिए व्यवस्था क्या किया है, साइकिल का अलग से लेन बनाना, साइकिल के लिए सेफ्टी, क्योंकि साइकिल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है. हम लोग क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्दी फ्यूचर, ये सब बारे में बात करता है. तो पेडलिंग टू द फ्यूचर, अभी मैंने दिल्ली में बहुत बड़ा एक साइक्लोथॉन का मैंने लॉन्च किया, नीति आयोग द्वारा कार्यक्रम किया, उसमें हमने डिटेल में बताया कि हिंदुस्तान का फ्यूचर हम साइकिलिंग के साथ कैसे जुड़ना चाहता है. और बहुत खुशी की बात है कि सलमान खान जो साइकिल से जुड़ा हुआ बॉलीवुड के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में, ना सिर्फ ये भारत का, पूरे विश्व में साइकिल का साथ सबसे बड़ा स्टार कोई जुड़ा हुआ है तो सलमान खान जुड़ा हुआ है. तो इसलिए सबने सोचा कि सलमान खान जी के हाथों से ये आज लॉन्च करेंगे तो ये सबसे उपयोगी होगा. तो इसलिए जब मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा तो सलमान भाई से वह खबर आया कि नहीं नहीं, आपके लिए तो, आपका अरुणाचल के लिए और साइकिल के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा, समय निकलूँगा. आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने आज समय निकल करके इसको लॉन्च किया. देखिए, अरुणाचल अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है अभी तक. अभी कुछ लोग सुनने लगा अरुणाचल कैसा है, अरुणाचल किस प्रकार का जगह है. ये हिंदुस्तान का एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड स्टेट है जो वहाँ जा कर के देखने के बाद पता चलेगा कि कितना खूबसूरत है अरुणाचल प्रदेश. और हमारा देश में भी ऐसा खूबसूरती से सजा हुआ सुशोभित एक राज्य है, ये देखने के बाद पता चलेगा. तो अभी हमारा मुख्यमंत्री जो हिंदुस्तान का सबसे युवा मुख्यमंत्री जो है हमारा अरुणाचल का है,
पेमा खांडू, उनके सरकार ने घोषणा किया कि हर राज्य अपना अपना जगह का फिल्म प्रमोशंस के माध्यम से भी बहुत कदम उठा रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने फिल्म के लिए काफ़ी प्रमोशनल कदम उठाया। तो मैं आपके यहाँ बताना चाहता हूँ कि चाहे वो हमारा बॉलीवुड बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का, अरुणाचल प्रदेश में अगर प्रोजेक्ट लगाएंगे, शूटिंग करेंगे, तो उसके लिए जो सपोर्टिंग पॉलिसी और उसके लिए सब्सिडी जो भी देना है, वो आज तक किसी प्रदेश ने जितना दिया है उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का सरकार वो समर्थन देने वाला है। पूरा फिल्म शूटिंग से लेकर के, तो मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले तो सलमान जी आने वाले हैं अपना फिल्म लेकर के। ये वो खूबसूरती को भी दर्शाना है दुनिया का सामने में, और एक्सप्लोर करना, इतना खूबसूरत स्टेट जो है दुनिया का सामने में उभर के आना चाहिए। मैं खुद भी काफ़ी इंतुजास्टिक इस चीज़ को देखता हूँ और इंतुजास्ट रहा हूँ साइकिलिंग और कोई भी खेल में। हमारा जो सरकार ने एक भारत देश को, क्योंकि ये युवा देश है, इसको फिट इंडिया बनाने के लिए एक कैंपेन भी चलाया, हम फिट तो भारत फिट। तो जो एक फिटनेस कैंपेन चलाया उसमें सलमान जी ने भी हम लोगों के साथ जुड़ा, उसके माध्यम से भी साइकिलिंग उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। उसके अलावा हर किसी के ज़िंदगी में फिटनेस आने के लिए जो चीज़ करना है हम लोगों को करना है। इसलिए मैं मुंबई शहर में जो लोग साइकिलिंग का इंथुजियास्टिक जिसका अप्रोच है, सबको भी मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। आज मैं दालमिया सीमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दालमिया सीमेंट के जो ओनर है पुनीत दालमिया जी, उनको मैं खास करके धन्यवाद देता हूँ। उनके रिप्रेजेंटेटिव महेंद्र जी यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी से, बहुत अपने दिल से उन्होंने फंडिंग और सपोर्टिंग इसको जो करना था दालमिया सीमेंट ग्रुप ने किया है। मैं मेरे ओर से, अरुणाचल सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस अभियान में SSB जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, SSB ने बढ़ चढ़ करके इसको ओन किया है। मैंने कल्पना किया लेकिन सारा काम ज़मीन पर SSB वालों ने बढ़ चढ़ कर किया है। IG साहब यहाँ बैठे हैं, DG नहीं आ पाया, उनका कहीं कुछ समस्या हो गया इसलिए, और राजेश ठाकुर जो कमांडेंट हैं उन्होंने खुद इसमें साइकिलिंग में लीडरशिप रोल लेकर के उन्होंने पेडलिंग किया। और जब मैं गुंजी गया था चीन बॉर्डर में, ये उत्तराखंड में, तब भी मैंने जो पैदल मारा जो भी है, वो राजेश ठाकुर जो है बहुत अच्छा से ख्याल रखते हैं, इसलिए उसको अरुणाचल ट्रांसफ़र करके लेके आया हूँ। तो SSB के हमारा पूरा टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये पूरा एक्सपेडिशन में हमारा जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे CRPF हो, SSB है, ITBP है, CISF है, हमारे NSG के लोग हैं, हमारे PSF है, जितने भी हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सबको हमने कहा है और सब इस साइकिलिंग एक्सपेडिशन में सब पैरामिलिट्री फोर्स हिस्सा लेंगे, और साथ में इंडियन आर्मी से कहा है, इंडियन आर्मी तरफ से भी इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। जैसे आपने प्रोमो में देखा है कि 10 कंट्री और कई लोग इसमें हिस्सा लेने वाला है, ये जो रिकॉर्ड में आने वाला है, आप इसका टोटल एक्युमुलेटिव पूरा लेंथ और इसका ड्यूरेशन देखेंगे तो ये दुनिया का सबसे टफेस्ट ये है माउंटेन टेराइन बाइकिंग का कंपटीशन, ये है अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहा है। तो हमारा देश के लिए भी एक शान की बात है कि इतना बड़ा साइकिलिंग इवेंट अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहा है। मैं अरुणाचल सरकार के रिप्रेजेंटेटिव पसंग सोना जी यहाँ बैठे हैं, ये सोना साहब ने भी बहुत एक वो इंथुजियास्टिक रहा है कॉलेज के ज़माने से। तो अरुणाचल सरकार, उनके मुख्यमंत्री, उनके टीम, CM साहब के सेक्रेटरी ऑफिशियल सब यहाँ आए हुए हैं। मैं अरुणाचल सरकार को भी मेरे ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि बढ़ चढ़ करके इसको आपने ओन किया है और पूरा आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में मीडिया इसको जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, आप लोग इसमें समर्थन दे रहे हैं। पिछले साल भी बहुत शानदार ये एक्सपेडिशन हुआ था, सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया गया है। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने बहुत अच्छे से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक एडवेंचरस स्पोर्टिंग इवेंट को आपने कवरेज दिया और प्रमोट भी किया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ और भी अन्य लोग इसमें काफ़ी लोग जो सपोर्टिंग रोल्स प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल इवेंट है तो बहुत लोगों का समर्थन जरूरत पड़ता है, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।
और इस एक्सपेक्टेशन, जैसे सलमान जी ने कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो ड्यूरेशन के समय में कहीं एक पोर्शन में हम कोशिश करेंगे कि सलमान जी का जो शूटिंग डेट्स वगैरह को तालमेल करके उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, तो कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं अंत, बिगिनिंग या बीच में कहीं इस एक्सपेक्टेशन को बीच में हम लोग साथ देंगे, हम लोग उसको डेट मिला करके कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको इन्वाइट करना चाहता हूँ, आप जो भी मुंबई से इस एक्सपेडिशन को देखने के लिए, समर्थन करने के लिए, पार्टिसिपेशन करने के लिए, जो भी उस वक्त अरुणाचल प्रदेश में आएगा, सबको रहना, खाना पीना सारा व्यवस्था हम कर देंगे, वो सबका इंतज़ाम किया जाएगा। तो सबको मैं वेलकम करना चाहता हूँ, आपका आमंत्रित मैं दे रहा हूँ, अपनी ओर से आधिकारिक रूप से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि सलमान जी ने ऑलरेडी आपको ब्रीफिंग कर दिया इसका सारा इम्पोर्टेंस, और हमारे ऑर्गेनाइजर ने बता दिया है। तो मैं खुद, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, भारत सरकार में मंत्री होने के नाते और देश का सुरक्षा को भी देख रहा हूँ, तो मैं अपने भारत सरकार की ओर से जो भी समर्थन इस एक्सपेक्टेशन और अन्य चीज़ें, जितने भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए जो भी समर्थन चाहिए, हमारा भारत सरकार की ओर से हम पूरा पूरा समर्थन हम प्रदान करेंगे। तो मैं इतना कह करके मैं माइक को वापस आपको सौंपता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड ऑल्सो लाइक एंड रिक्वेस्ट मिस्टर महेंद्र सेकी ग्रुप। सॉरी, नाम लेना भूल गया। जो आज का आयोजन, जो जितना ये जो यहाँ मैनेजमेंट करने में जो हमारा साथी है, हाँ, एक हमारा हीरा ग्रुप है जिसका ओनर है डॉक्टर नौहेरा शेख। नौहेरा शेख जो लेडी है बहुत ही दानवीर और दिलदार, नौहेरा शेख जो अभी हमारे यहाँ नहीं है, वो कहीं स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाया, तो हीरा ग्रुप को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छी तरह से ये सारा आयोजन हमारे लिए यहाँ किया है। और उनके जो फ्रंटमैन है एडवोकेट विनीत डांडा, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, जाने माने एडवोकेट है, मैं उनको भी, वो भी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आ पाया, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना आपने हमारे लिए ये समर्थन किया। और एक चीज़ मैं कहना भूल गया सलमान भाई के बारे में, इनका फिलान्थ्रोफिक जो नेचर है, जो ज़रूरतमंद और तकलीफ में जो फंसते हैं, तो उसमें एज ए ह्यूमन बींग, जो उनका कंसेप्ट भी है कि बींग ह्यूमन, जो उनका बड़प्पन, उनका एक फिलान्थ्रोफिक नेचर है, वो हर समय देखता। मैं कहता हूँ दुनिया में, मेरे ज़िंदगी में जो फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी में लोगों को सेवा के लिए हर समय तैयार रहने वाला सलमान खान जैसे मैंने आज तक देखा नहीं है। इतना दिल बड़ा है, इतना वो अपना अपने लिए नहीं सोचता है, वो जीता है लोगों के लिए। जो ह्यूमन फैक्टर उनके मन में, जो सचमुच में ह्यूमन बींग जिसको कहता है, वो मैंने देखा है। इसलिए मैं इस बात को लेकर के मैं आपको सराहना करना चाहता हूँ, दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।